तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे अपार्टमेंट्स में फायर फाइटिंग के पाइप इंस्टॉल होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। पाइप्स आपके थ्रू एंड थ्रू मेन एंट्री से आकर हर एक रूम में डिवाइड होते हैं, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फायर लगती है हमारे अपार्टमेंट में बिल्डिंग में तो उसमें से पानी छोड़ा जाता है। तो ये जो पाइप्स हमारे सीलिंग से जाते हैं वो काफ़ी डाउन होते हैं सीलिंग से, तो अगर हमको फॉल सीलिंग अगर इंस्टॉल करनी है तो काफ़ी नीचे आ जाएगी जिससे हमारे रूम की हाइट कम हो जाती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेन एंट्री से बड़ा रेड कलर का पाइप जा रहा है जो रूम में एंटर करता है और ऐसे डिवाइड होते हैं सारे रूम्स में। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये पाइप काफी नीचे था, हमने देखे यहाँ पर पाइप को 6 इंच ऊपर चढ़ा दिया है वेल्डिंग करके, ताकि हम इजीली यहाँ पर फॉल सीलिंग जो है वो इंस्टॉल कर सके। आप देख सकते हो काम शुरू है यहाँ पर, और यहाँ जो नोजल खत्म होता है या डाउन आता है यहाँ पर स्प्रिंकलर लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काम चालू है। तो आप अभी आसानी से फॉल सीलिंग का प्लान यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि ये 6 इंच ऊपर चला गया तो आपको काफ़ी डेप्थ मिलेगी वहाँ पर फॉल सीलिंग प्लान करने के लिए। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, अगर आपको फॉल सीलिंग प्लान करनी है तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि फायर फाइटिंग का जो काम ऑलरेडी बिल्डर के आदमी ने किया हुआ है या जो जानकार है उनसे उन्हीं से करवाइए, क्योंकि ये सेफ्टी वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।